Hello friends and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हमारा वीडियो नंबर 5 किसका लॉज ऑफ मोशन का. ठीक है, अभी तक टोटल हम लोगों ने 4 वीडियोस बनाए हैं लॉज ऑफ मोशन के और उन 4 वीडियोस के अंदर, ठीक है, पहले के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू लॉज ऑफ मोशन, सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थर्ड के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे थे एंड फोर्थ वीडियो जिसमें हम लोगों ने सेकंड लॉ और सेकंड लॉ से रिलेटेड कुछ 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने हमारी कल की वीडियो प्रीवियस वीडियो के अंदर करे थे. ठीक है, तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के लिए और इस इंपॉर्टेंट लॉ के साथ साथ एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर हम आगे जाने वाले हैं जहां पर इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट कंप्लीटली पूरी तरीके से एकदम पूरा का पूरा डिपेंड करेगा. पूरा चैप्टर आज की इस वीडियो के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, और उसके अलावा हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक फोर्स दूसरे फोर्स के ऊपर लगता है तो किस तरीके से एक्शन और रिएक्शन क्रिएट करता है. ठीक है, तो उस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग आज क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि हर एक्शन के लिए अपोजिट रिएक्शन होता है. यानी कि राइट, अगर मैंने कोई एक्शन किया है, मैंने कोई फोर्स लगाया है, तो उतना ही फोर्स वो सामने वाली बॉडी भी मेरे ऊपर लगाएगी. दैट इज व्हाट एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिएक्शन. यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा. यानी कि मैंने अगर यहां पे फोर्स लगाया तो ये भी मेरे ऊपर क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा. मैं फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी पे, ये बॉडी फोर्स लगा रही है मेरे ऊपर. यानी कि एक्शन और रिएक्शन, जो फोर्स लगा वो किसी और पे लगता है, जो वापस से रिवर्स लगा वो पहले वाले पर लगता है. यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों के दोनों अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं. एक्शन एक बॉडी दूसरी बॉडी पे करती है और बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर रिएक्शन करती है. तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, दैट इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के. अच्छा, एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम लोग. भाई ये बॉडी है, ठीक है, राइट, अगर मैं इसको छोड़ू, ठीक है ना, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो आप देखें ये नीचे की तरफ आई, यानी कि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. ठीक है, दिस इज एक्शन. बदले में ये बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी. दैट इज व्हाट रिएक्शन. यानी कि एक्शन अर्थ ने लगाया और रिएक्शन इस बॉडी ने लगाया. इज दैट क्लियर. तो यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ लगते हैं, अलग अलग नहीं लग सकते. एक बार में एक फोर्स नहीं लगेगा, अगर लगेंगे तो दो ही फोर्स लगेंगे, पहला एक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन होगा. और एक साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्शन रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं होता. क्या कारण है, एक्शन इस बॉडी के ऊपर लगा, रिएक्शन इस बॉडी के ऊपर लगा. आया समझ में, ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन किसी और बॉडी पे होता है, रिएक्शन किसी और बॉडी पे होता है, तो दोनों का सम कभी भी जीरो नहीं होगा या इक्वल टू नहीं होगा. बट हम क्या पढ़ते हैं, दैट इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, चलिए यहां पे इसका डेरिवेशन देख लेते हैं. क्या कहता है ये, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है. ये ए बॉडी इस बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही होगी, तो एफ बी ए, ठीक है, फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक है, ये बॉडी इसको धकेल रही है, तो दिस इज व्हाट एक्शन. बदले में ये बी बॉडी इस बॉडी को भी क्या कर रही है, धकेल रही है. दैट इज व्हाट रिएक्शन. ठीक है, एफ ए बी एक्शन फोर्स ऑन ए बाय बी,
ठीक है. सो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, राइट. तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर के अंदर ही क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे. कोई भी फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है. चलिए हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं एक्शन रिएक्शंस के ऊपर. ये एक पर्सन है जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है, इसका कुछ मास है, इस मास की वजह से ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही होगी, बट ये एज इट इज खड़ा हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा, तो इसको कुछ ना कुछ काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, एंड दैट इज व्हाट आर. सो आर इज इक्वल टू एम जी, सो आर माइनस एम जी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है. इज दैट क्लियर. दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है. सेकेंड देखते हैं हम लोग. सेकेंड क्या है भाई, कि सपोज करो अ पर्सन इज वॉकिंग, ठीक है ना, ये एक पैर, ठीक है, ये पैर इस डायरेक्शन में फोर्स एप्लीकेबल कर रहा है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. तो पैर ने जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन हो गया इस फोर्स का, ठीक है. अब इस रिएक्शन के जब ये पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, एंड दिस इज व्हाट वर्टिकल कंपोनेंट दैट विल बी आर साइन थीटा. इज दैट क्लियर, ठीक है. तो इसके टोटल कितने कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे पास, टोटल दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द सेकेंड वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी आर कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी आर साइन थीटा. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इस तरीके से डिवाइड किया गया कि अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो मेरे पास वही ओरिजिनल वेक्टर आना चाहिए, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है. तो यहां से अब हम लोगों ने एक चीज सीखी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको बैलेंस करने के लिए मुझे दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना मोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मोशन को एग्जिस्ट करने के लिए मुझे दो फोर्सेस की जरूरत है, वन इज एक्शन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन वी हैव रिएक्शन. तो एक्शन पैर ने नीचे की तरफ लगाया, रिएक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से एक्शन नीचे है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से बॉडी एक जगह पर हेल्ड अप हो रखी है, ठीक है, राइट. इज दैट क्लियर. चलिए अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर, दैट इज व्हाट हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है. हम यहां पे एक एक कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट को समझेंगे, ठीक है. आपने घोड़ा गाड़ी देखी है, हम उसी घोड़ा गाड़ी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, राइट. वी हैव हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है. सबसे पहले हमने कंसिडर किया कि भाई एक रोड है और यहां पे एक हॉर्स है, इसको एच से नाम दिया गया. जब ये मोशन करेगा, एक ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है. दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स, दिस इज वेट जिसकी वजह से उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है. अब ये फोर्स जो घोड़े के पैर ने लगाया ऐसे चलते समय, ठीक है ना, ये यूं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, देखिए ये, ठीक है, जिसकी वजह से जमीन को पीछे धकेलेगा, जमीन इसको आगे धकेलेगी और ये आगे 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 चलता चला जाएगा, ठीक है. तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स यहां लग रहा है आर, ठीक है. इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट विल बी हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड कंपोनेंट विल बी वर्टिकल, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है. इज दैट क्लियर. तो देखिए ये हम लोगों ने पूरा कंपोनेंट डायग्राम बनाया, ठीक है. तो एफ
equals to R. ठीक है, F is force applied by horse on road. ठीक है, and what about H? Sorry, R, reaction to balance F. ठीक है, हम लोगों ने अज्यूम किया कि हॉर्स का जो मास था M था. ठीक है, चलिए यहां पे दूसरी चीज, रिएक्शन फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स. ठीक है ना, रिएक्शन फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो, वन इज H एंड सेकेंड वन इज V. V इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू M इंटू G. दैट इज वॉट, वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वेट, जो कि उसको इक्वल एंड अपोजिट है, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द हॉर्स एंड ग्रेविटी विथ विच द ग्रेविटी दैट अट्रैक्ट द हॉर्स. तो स्मॉल m विल बी द मास ऑफ हॉर्स. स्मॉल m मास ऑफ हॉर्स इज इक्वल टू स्मॉल m. ठीक है, अब देखो इससे बंधा हुआ है कार्ट. जिसका मास है कैपिटल एम. ठीक है, और ये घोड़े के साथ एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. ठीक है, जब घोड़ा आगे की तरफ भागेगा तो इसको किसी टेंशन से खींचेगा, फोर्स से खींचेगा. दैट इज व्हाट टेंशन क्रिएटेड इन द कार्ट, टी. ठीक है ना, और इस टेंशन को बैलेंस इक्वल एंड अपोजिट कर रहा होगा, दैट इज व्हाट माइनस टी. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो टी फोर्स से घोड़ा कार्ट को खींच रहा है अपनी तरफ, और माइनस टी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से कार्ट खींच रहा है घोड़े को अपनी तरफ. इज दैट क्लियर? तो ये दो फोर्सेस हुए, और जब ये कार्ट मूव करने लगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको हमने डिनोट किया किससे? एफ से. ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पूरी प्रॉब्लम को समझो कि किस तरीके से हमने इसका फ्री डायग्राम बनाने की कोशिश करी है. फ्री बॉडी डायग्राम, सिर्फ बॉडी ली और बॉडी के ऊपर हम लोगों ने एक डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करी है. ठीक है, अभी मैं इसको पूरा एफबीडी बनाता हूं इसका वापस से. ठीक है, यहां पर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम ही हमें सारी की सारी चीजें निकालने में मदद करेगा. ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं इस कार्ट का. इस कार्ट को टी टेंशन खींच रहा है. ठीक है, ये हॉर्स खींच रहा है और इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, और ये कार्ट एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, चलता हुआ जा रहा है. यानी कि इस कार्ट का ओवरऑल मोशन विथ एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ लग रहा है. ठीक है, राइट. अब अपन इसका क्या करते हैं, पहले इसकी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? नेट फोर्स ऑन कार्ट दैट इज इक्वल टू, ये आगे की तरफ, टी बड़ा है और एफ छोटा है, जो बड़ा है उसी की तरफ मोशन होगा. तो टी बड़ा एफ छोटा, नेट फोर्स कितना हो गया, जिससे आगे खींच रहा था, माइनस जो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा था. ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स विथ विच कार्ट मूव्स विच इज इक्वल टू कैपिटल एम मास एंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एफ नेट, एंड दिस इज ऑल्सो एफ नेट. ठीक है, अब ये दोनों केसेस में जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस कार्ट के ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों केसेस के फोर्स इक्वल होंगे, देन इट विल बी टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, सिमिलरली हम लोग एफबीडी बनाते हैं किसका, इस घोड़े का. ठीक है, इस घोड़े का एफबीडी बनाते हैं. तो दिस इज ऑफ कार्ट एंड दिस इज ऑफ हॉर्स. ठीक है, ये हॉर्स है,
ये हॉरिजॉन्टल से आगे खींच रहा है और ये टी टेंशन इसको पीछे खींच रहा है, यानी कि ये कार्ट इसको पीछे की तरफ खींच रहा है और ये हॉर्स आगे की तरफ जा रहा है रिएक्शन की वजह से। अच्छा, दूसरी चीज, ये वेट की वजह से W और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो सबसे पहली चीज हमने यहां लिखा, रिएक्शन फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है ना, दोनों बना लिए, V इज इक्वल टू W, वर्टिकल और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसीलिए ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, ठीक है। अब जो काम हो रहा है वो सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये घोड़ा ओवरऑल इधर मूव कर रहा है विथ ए एक्सेलरेशन, और ये वही एक्सेलरेशन है जिससे ये कार्ट मूव कर रहा था, ठीक है। तो यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब नेट फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, ये घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एच बड़ा है और टी छोटा है, तो नेट फोर्स ऑन हॉर्स या बाय हॉर्स जो भी बोलना चाहें, एफ एन वन विल बी एच माइनस टी, ठीक है। और इसी फोर्स जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसकी वजह से इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। तो राइट नेक्स्ट इज फोर्स विथ विच हॉर्स मूव्स, सो इट विल बी एफ एन वन, सो इट इज इक्वल टू स्मॉल मास इंटू स्मॉल एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों केसेस में फोर्स हॉर्स पे ही लग रहा है, सो द फाइनल इक्वेशन विल बी एच माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर कितनी इक्वेशन निकली, दो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एड अप कर देते हैं, यहां पे टी प्लस का, यहां पे टी माइनस का, कैंसिल आउट, तो ये बचा एच माइनस एफ, दोनों में ए कॉमन आ रहा है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास, सो ए इज इक्वल टू एच माइनस एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस एम। तो अगर आपको किसी का भी एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए ये चार मार्क का फॉर्मूला बना लें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आगे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि नेट फोर्स तो ये रहा, अपॉन टोटल मास, इज दैट क्लियर। सो इट विल बी व्हाट, एफ नेट, मैंने कितना लगाया, फ्रिक्शनल कितना लगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का क्या, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम बाय यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। आप इंडिविजुअल बॉडी बनाएं, उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस लें, उनको बैलेंस करें, और उसके साथ साथ बैलेंस करने के साथ साथ उसके लिए फोर्स की इक्वेशंस को लिखें, क्योंकि अब आने वाली सारी प्रॉब्लम्स के अंदर जो सबसे बड़ा काम होगा वो सिर्फ काम इस एफबीडी का होगा, दैट इज व्हाट, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो ये हुई हमारी क्या, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी लिफ्ट प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। लिफ्ट प्रॉब्लम के लिए देखते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम केस लेते हैं अपेरेंट वेट इन एलिवेटर और लिफ्ट, ठीक है। यहां पर हम लोग तीन केसेस लेने वाले हैं, ठीक है ना। तीन केसेस कौन कौन से, कि भाई एक पर्सन है वो लिफ्ट में खड़ा हुआ है, एक बार लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसके वेट में अपेरेंट वेट मतलब कि अगर हम वेट लिफ्टर के ऊपर नापें कि क्या वजन में बढ़ा या घटा ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू मोशन, दैट इज नोन एज अपेरेंट वेट, ठीक है। एंड वन इज एक्चुअल वेट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट का मतलब कि मेरा जो अभी वजन है एट द टाइम ऑफ रेस्ट, दैट इज नोन एज एक्चुअल वेट, विच इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, विच इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। एंड अपेरेंट वेट इज द चेंज इन द वेट ऑफ अ पर्सन ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से, या वो जिस भी चीज में है उसके मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के वजन में जो अंतर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपेरेंट वेट बोलेंगे। हमने यहां पे तीन केसेस लिए, केस नंबर वन लिफ्ट अपवर्ड्स, नंबर टू डाउनवर्ड्स,
command number 3 will be either it is rest or in a case of uniform. ठीक है, ये तीन केसेस के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं. पहले केस में हम देखते हैं कि बॉडी का जो मास है उसकी वजह से वो नीचे की तरफ अट्रैक्टेड हो रही है, दैट इज एम इन टू जी, दैट इज ग्रेविटी. और इसको काउंटर बैलेंस करने वाला कौन है? आर. दिस आर इज अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी. अब इस आर में जो चेंज आएगा ड्यू टू मोशन ऑफ दिस लिफ्ट इज नोन एज अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, हम लोग फर्स्ट केस लिफ्ट अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है, यानी कि लिफ्ट का मोशन कहां की तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ. तो नेट फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ. तो इन केस वन आर इज ग्रेटर देन एम जी और इसकी वजह से जो ओवरऑल मोशन हो रहा है दैट इज व्हाट इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए. तो अब हम कैसे लेंगे? नेट फोर्स विल बी आर माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू कि भाई कितना बॉडी मूव कर रहा है. तो आर माइनस एम जी, आर इधर एम जी उधर गया, एम कॉमन, ए प्लस जी. तो देखें कि हम लोग एक चीज नोट कर सकते हैं यहां पर, वो चीज क्या है? दैट आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी. एक्चुअल वेट ऑफ अ पर्सन विल बी एम जी और अपेरेंट वेट देखो कितना बढ़ गया, एम ए से इंक्रीज हो गया. यानी कि अपेरेंट वेट जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है बाय मास इनटू एक्सेलरेशन. यानी कि लिफ्ट जिस स्पीड से, जिस चेंज इन वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करती है उससे बदल जाता है. केस नंबर टू, व्हेन लिफ्ट डाउनवर्ड्स, लिफ्ट डाउनवर्ड्स यानी कि बॉडी का जो ओवरऑल मोशन है वो नीचे की तरफ है. आप देखें ये mg ऐसा का ऐसा रहेगा और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये रिएक्शन लग रहा है, बट ओवरऑल जो मोशन है वो नीचे की तरफ हो रहा है. यानी कि mg इज ग्रेटर देन r, पहली चीज, एंड नेट मूवमेंट इज मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स. तो ये हो गया mg माइनस r इज इक्वल टू ma. इस आर को यहां भेजते और इस एम ए को यहां लेके आते हैं. सो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए. तो आप एक्चुअल वेट देखें बॉडी का कितना होता है, एम जी, और अब अपेरेंट वेट उसमें से एम ए माइनस करेंगे. तो यानी कि फर्स्ट केस में अपेरेंट वेट इंक्रीजेस. सेकंड केस अगर हम देखें तो हम यहां लिख सकते हैं दैट अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस. ठीक है, सो अपरेंट वेट डिक्रीजेस. ठीक है, हम लोग केस नंबर थर्ड लेते, व्हेन व्हेन रेस्ट पर है बॉडी या फिर यूनिफॉर्म मोशन है. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ए इज इक्वल टू जीरो बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है, ओवरऑल तो आर इज इक्वल टू एम g माइनस जीरो विच इज इक्वल टू एम जी. तो अगर बॉडी रेस्ट पर है और या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो r इज ऑलवेज इक्वल टू एम जी. तो आप एक नोट करें कि जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं जो लिफ्ट है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है, एक ही स्पीड से मूव कर रही होती है, ना तो ज्यादा तेज चलती है और ना ही ज्यादा धीरे चलती है. ठीक है, तो इन बोथ द केसेस चाहे वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए वो उसको ऐसे सेट किया जाता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करे जिसकी वजह से बॉडी का अपरेंट वेट चेंज ना हो. ठीक है, फोर्थ केस जो हमने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है दैट इज इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ फ्री फॉल. फ्री फॉल के अंदर क्या होगा? इन केस ऑफ फ्री फॉल द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटी. ठीक है, तो ओनली फोर्स जो हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है वो ग्रेविटी है, या फिर मैं बोलूं कि जो लिफ्ट है वो गिर रही है ऊपर से अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. इन दैट केस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल. तो उस केस में अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए
एक ही जगह भी जी रख देते हैं देन इट विल बी जीरो. ठीक है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ वेट लेसनेस. ऑटोमेटिकली बॉडी जो है लिफ्ट के अंदर वो वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाएगी और हवा में उड़ने लग जाएगी लिफ्ट के अंदर. ठीक है, सो दीज आर द फोर केसेस वेयर वी आर डिस्कसिंग द अपरेंट चेंज इन द वेट ऑफ अ बॉडी बाय मूविंग इन अ एलिवेटर और अ लिफ्ट. ठीक है, तो गाइज ये हुए हम लोगों के चार केसेस इसके. इससे पहले हमने हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम किया था एंड अलॉन्ग विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही. हम लोग नई वीडियो के साथ आप लोगों के को मिलेंगे कल, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अगली वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी. टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले. थैंक यू.